गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज चैप्टर 6 फूड एंड डाइजेशन। हमने लास्ट हमारे वीडियो में फूड की बात कर चुके थे कि फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के भी हमने टाइप्स देखे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड देन रफेज एंड वाटर भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। अब आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स तो हमारे बॉडी में चलिए फूड से हमें मिल गए, बट वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे और डाइजेशन कैसे कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन कैसे होगा। डाइजेशन क्या है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन हम किसे कहेंगे, जब फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, जब फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, जब हम उससे ईट करते हैं और जब उसे हम सिंपलर फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। जब सिंपल फॉर्म्स में किसी फूड को डिवाइड कर दिया जाता है तब हम उसे कहते हैं डाइजेशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड कन्वर्ट होता है सिंपलर फॉर्म में। ओके, अब उस प्रोसेस में जो भी ऑर्गन्स यूज होंगे हमारे बॉडी के, जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के डाइजेशन में, डाइजेशन कंप्लीट करने में यूजफुल होंगे, उन ऑर्गन्स को मिलाकर हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नाउ अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि ये डाइजेशन होता कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है, जो आपकी डेली प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमने माउथ से स्टार्ट किया, फूड हमने लिया, हमने च्यू किया, कहाँ से, माउथ से च्यू करना स्टार्ट किया हमने। हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा, सलाइवा के साथ वो जो फूड है वो च्यू होने के बाद में सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। अब सलाइवा के साथ मिक्स हो गया तो वो बिकॉज वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म हो जाता है, थोड़ा सा उसे क्या मिल जाता है, सलाइवा मिल जाने की वजह से वो हमारे फूड पाइप के थ्रू ईजिली हमारे स्टमक तक जा सकता है। तो वो माउथ से कहाँ गया, फूड हमारे फूड पाइप में गया, फूड पाइप से होते हुए वो कहाँ गया, स्टमक में गया। आप सब यहाँ देख रहे हैं माउथ से फूड पाइप एंड देन फूड पाइप से वो कहाँ गया, स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद में स्टमक में बेटा कुछ ऐसे, स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस किसे कहते हैं, कुछ ऐसे जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्टमक में फूड क्या होता है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है उस जूसेस के साथ में और वो सिंपल फॉर्म में डिवाइड होता है। सिंपल फॉर्म में वो फूड क्या होता है, डिवाइड होता है और जूसेस के साथ में मिक्स हो जाता है। अब जब उस जूसेस के साथ वो मिक्स हो गया उसके बाद वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैम ऐसा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पर लीवर एंड पैनक्रियास ये बहुत यूजफुल होते हैं। बाइल जूस, बाइल डाइजेस्टिव एक जूस है जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है। लीवर एंड पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस वो सेंड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले से अपने कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर हमारा फूड है तो फूड जब यहाँ आता है तो यहाँ से भी डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं और इसके भी डाइजेस्टिव जूस दोनों क्या हो जाते हैं, फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। फूड के साथ जब वो मिक्स हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में हमारा जो फूड है वो कन्वर्ट हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहाँ पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हुआ, हमारा फूड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप ये बोलेंगे मैडम लिक्विड फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया बट ये हमारे बॉडी में कैसे सप्लाई होगा, क्या कैसे जाएगा, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। तो आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें विली करके एक पार्ट होता है। ये विली पार्ट क्या करता है, इस लिक्विड फॉर्म फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो अभी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है वो फूड, तो लिक्विड फॉर्म से ये जो विली है ये क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को वो किसको दे देता है, वो दे देता है ब्लड को। और आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हेड से लेकर लेग तक पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब जब हमारे ब्लड में हमारे न्यूट्रिएंट्स चले गए तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, सप्लाई होंगे। तो ऐसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं और ऐसे हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब बात आती है कि ऐसे फूड जो कि अनडाइजेस्टेड है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, कभी ऐसा होता है कि आपके फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ से वो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ आपका डाइजेशन कंप्लीट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गए वो किस में चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, उस फूड के साथ में अनडाइजेस्टेड फूड से जितना वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लार्ज इंटेस्टाइन जितना वाटर है उस फूड से वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ चले जाएगा, ये चले जाएगा एनस के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर। इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द एनस। एनस के थ्रू कहाँ चले जाएगा, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर रिमूव हो जाएगा। तो आपको ये समझ आया कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इसमें यूजफुल हैं, उसे हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, उस पूरे सिस्टम को हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे ऑर्गन्स को मिलाकर। एंड डाइजेशन क्या है, जो फूड को सिंपल फॉर्म में वो डिवाइड करता है। तो यहाँ आपको समझ आ गया डाइजेशन ऑफ फूड, फूड कैसे डाइजेस्ट हुआ और अनडाइजेस्टेड फूड भी कहा गया। ठीक है, फूड के बारे में देखा था, डाइजेशन के बारे में देखा था, बट हमारे गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में अब हम जान लेते हैं। कौन कौन से गुड ईटिंग हैबिट्स हैं हमारे, हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर रहें। हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले हैंड्स वॉश करने चाहिए जब भी हमें कुछ भी, अगर आपको कुछ भी खाना है तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है। आप जब फूड को लेंगे तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह उसे च्यू करना है, उसके बाद ही आपको स्वेलो करना है। ओवर ईट नहीं करना है, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट यूज़ करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड आपको फ्रूट्स लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, अच्छी तरह से हैंड वॉश करके खाना है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मैं आज बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप हमेशा क्या करें, अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब में आप कम से कम भी, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो आप 4 आवर्स का तो गैप रखिए ही। आप 4 आवर्स का गैप रखेंगे तो वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज जो डाइजेशन है उसे भी 4 आवर्स का टाइम चाहिए रहता है। ठीक है, अब आपकी बात आती है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स हैं उसे आपको ओकेजनली ही यूज़ करना है, ऐसे आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना है, तो आपको पता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किन न्यूट्रिएंट्स की आपको कमी हो सकती है, तो आपको इन सब हैबिट्स का ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो नाउ दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड, दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। Now we will meet in our live class. So be ready students, we will meet at our live class. Thank you so much.